केजरीवाल की नई मुसीबत खड़ी हो गई। ईडी कल दाखिल करेगी चार्जशीट, शराब घोटाले के किंग पिन के तौर पर दर्ज करेगी नाम। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें शराब घोटाले के मामले में कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ जहां केजरीवाल की जमानत याचिका पर कल सुनवाई होनी है, उसी बीच अब सामने आ रहा है कि कल ईडी इस मामले में चार्जशीट दाखिल करेगी। ईडी अपनी चार्जशीट में केजरीवाल का नाम मुख्य साजिशकर्ता के और किंगपिन के तौर पर दर्ज करने जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय का दावा है कि उसने अरविंद केजरीवाल से जुड़े मनी ट्रेल का पता लगा लिया है। कल सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर भी सुनवाई कर सकता है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान उनके वकील से पूछा था कि केजरीवाल ने 9 बार समन को क्यों टाला। जस्टिस संजीव खन्ना ने पूछा कि ईडी ने केजरीवाल को 9 बार नोटिस भेजा, उन्होंने हर बार क्यों उसको टाल दिया। इस पर उनके वकील ने कहा कि जब सीबीआई ने बुलाया तो वो गए। अरविंद केजरीवाल ने ईडी के नोटिस का विस्तार से जवाब दिया है, लेकिन ईडी ये नहीं कर सकती कि आप समन भेजने पर नहीं आए इसलिए उसने गिरफ्तार कर लिया। ईडी दफ्तर न जाना उनका अधिकार है, इस पर अलग से मुकदमा चलाया जा रहा है। ये गिरफ्तारी का आधार या कारण नहीं हो सकता। ईडी ने गिरफ्तारी से पहले पीएमएलए की धारा 50 के तहत केजरीवाल का बयान दर्ज नहीं किया। संजय सिंह के मामले में भी ऐसा ही हुआ था, ऐसा कहना है केजरीवाल के वकील का। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 10 इंडिया।